सो गाइज, तो वेलकम बैक गाइज। तो स्वागत है आप लोग का हमारी इस अमेजिंग से वीडियो में। तो गाइज यार, अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि आपकी जो आईडी बैन हो चुकी थी, जी हाँ गाइज, जिनकी आईडी बहुत पहले बैन हो चुकी थी, वो कैसे आप अपने आईडीज को वापस ला सकते हो, माई मीन गाइज अनबैन कर सकते हो। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, अनबैन कर सकते हो। एंड गाइज, इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे आप अनबैन कर सकते हो एंड अनबैन करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स अप्लाई करने पड़ेंगे। तो गाइज यार, इसको जानने के लिए यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यार, तो इंट्रो के बाद फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो गाइस यार देखो, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यार जिस समय मैं फ्री फायर मैक्स के रिगार्डिंग कुछ लीक्स एंड अपडेट ढूंढ रहा था, तो गाइस यार मुझे एक नोटिस देखने को मिला। जी हाँ गाइस, जो कि यार वहाँ पे नोटिस में लिखा था कि आप लोग की जो आईडी है ना, वो अनबैन हो सकती है। जी हाँ गाइस, मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि गाइस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मैं आपको अगर इसको पढ़ के सुनाऊँ ना, तो आप लोग पढ़ ही सकते हो गाइस। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी जो भी आईडीज बैन हुई थी, यहाँ पे टोटल 2.5 लाख प्लस आईडीज को अनबैन किया जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हो सकता है कि आपका आईडीज भी अनबैन हो जाए। एंड गाइज यार, उस समय गेम में काफ़ी ज़्यादा हैकर्स थे। तो गाइज यार, उस समय क्या होता था गाइज कि गेरेना फ्री फायर डिटेक्ट नहीं कर पाता था। एंड गाइज, काफ़ी सारे इनोसेंट प्लेयर के भी आईडी बैन कर दिया। तो यहाँ पे गाइज क्लियरली लिखा हुआ है कि यार जिनकी भी आईडीज मिस्टेकली बैन हुई थी गेरेना के द्वारा, वो यहाँ पे अनबैन हो जाएगी। ठीक है, तो गाइज यार देखो, मेरी तो यही सजेशन है कि गाइज जब फ्री फायर मैक्स का अपडेट आएगा, तो उस समय गाइज आप सबसे पहले यही करना कि आप उसको डाउनलोड करके गाइज, उसके बाद गाइज आप लोग अपनी आईडी को लॉगिन करना जो आपका आईडी पहले बैन हो चुका था। क्या पता आपकी आईडी अनबैन हो जाए। अगर आपको लगता है कि यार आपने कुछ गलत नहीं किया था, तो गाइज इसको लॉगिन करके देखना। अगर हो जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, एंड नहीं होगा तो गाइज समझ लो आपने कुछ ना कुछ गलत किया होगा, तभी नहीं हुआ। ठीक है गाइज, मुझे पता है गाइज कि यार आप लोग की जो भी पुरानी आईडी बैन हुई गाइज, उस पर कितने अच्छे कलेक्शंस, कितने अच्छे रेयर आइटम्स होंगे। तो इधर गेरेना यही सब ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन लेके आया है कि यार आपकी आईडी अनबैन हो सकती है अगर आपका आईडी मिस्टेकली गेरेना के द्वारा बैन हुआ है। ठीक है, तो गाइज यार देखो, आपका एक चांस है एंड हो सकता है अनबैन। ठीक है, इतनी खुशी। एंड गाइज, जो सेकेंड चीज़ मुझे पता चला है गाइज, वो काफ़ी अच्छा चीज़ पता चला है। तो गाइज यार, यहाँ पे हमें न्यू बैन सिस्टम देखने को मिला है। मतलब गाइज अभी क्या होता है गाइज, जिसकी भी आईडी बैन होती है वो परमानेंटली बैन हो जाती है। लेकिन यार फ्री फायर मैक्स आने के बाद गाइज ऐसा नहीं होगा। मतलब गाइज आपकी आईडीज कुछ ड्यूरेशन के लिए बैन होगा। तो गाइज जैसे कि गाइज आपने कोई छोटा मोटा हैक यूज़ कर लिया, मान लो गाइज आपकी आईडी जब बैन होती है ना, तो डायरेक्ट परमानेंट बैन नहीं होगा, कुछ लिमिट टाइम के लिए होगा। आई मीन 1 वीक 2 वीक, तो कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे गाइज ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, ताकि यार बंदे को रियलाइज़ कर, अपना मिस्टेक रियलाइज़ करने का समय मिलेगा। डायरेक्ट परमानेंट बैन हो जाता था ना, तो बंदे को काफ़ी दुख लगता था एंड उसे बहुत गुस्सा आता था एंड गेम को डिलीट करके बस फ्री फायर क्यूट कर देता था। तो गाइज इसको सोल्व करने के लिए यार गेरेना कुछ ऐसे ऐसे सिस्टम्स बना दिए है। तो गाइज काफ़ी अच्छा किया है। तो गाइज अगर आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसको ऑल प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय बाय।